अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ उम्मे हारून अब्दुल्ला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी शर्मिला फारूकी से। जी हाँ, शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुतहर्रिक रहनुमा हैं। ये वज़ीर आला सिंध की मशीर भी रह चुकी हैं। शर्मिला फारूकी तहरीर और तकरीर में बहुत महारत रखती हैं और अमूमन टीवी टॉक शोज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत मुदल्लल और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश करती हैं। शर्मिला सियासी तकरीबात के अलावा समाजी तकरीबात में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी सोशल मीडिया पर मुतहरक रहती हैं, अपनी मसरूफियात और सियासी हालात वाकयात से जालों को आगाह करती रहती हैं। आज की वीडियो की इब्तदा भी हम इन्हीं की एक दिलचस्प ट्वीट से करेंगे। रुकने असम्बली शर्मिला फारूकी ने अपनी पोस्ट में आवाम से पान बेचने वालों की इज्जत करने के लिए कह दिया और साथ ऐसी दिलचस्प वजह भी बता दी कि कोई भी इत्तफाक किए बिना नहीं रह सकेगा। शर्मिला फारूकी ने अपनी इंस्टा पोस्ट में कहा कि हमें पान बेचने वालों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक वही वाहिद शख्स है जो पूछ कर चूना लगाता है। दुनिया के बाकी लोग तो बताए बगैर ही चूना लगा देते हैं। पीपी रहनुमा ने यह दिलचस्प पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मुझे ये पोस्ट शेयर करनी पड़ी क्योंकि ये सीधा मेरे दिल पर लगी है। शर्मिला फारूकी 25 दिसंबर 1978 को कराची में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक मशहूर और मारूफ फैमिली से है। इनके नाना NM उकायली पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना थे और एक कामयाब बिजनेसमैन भी। इसी दौरान इनके वालिद उस्मान फारूकी ने चेयरमैन स्टील मिल और एक ब्यूरोक्रेट की खिदमत हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। शर्मिला फारूकी सलमान फारूकी की भतीजी भी हैं, जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क्यादत से वाबस्ता हैं और इनके इंतहाई करीबी साथियों में से हैं। शर्मिला फारूकी ने आदमसन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से MBA और कानून की डिग्री भी हासिल की है। शर्मिला ने अपने कैरियर का आगाज PTV ड्रामा सीरियल 5वां मौसम में इजाज असलम के साथ अदाकारी से किया। तहां वो कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना कर सकी और अदाकारी को छोड़ना पड़ा। वो अक्टूबर 2008 से 2011 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशीर भी रह चुकी हैं। 2015 में हशाम रियाज से इनकी शादी हुई। वाजे रहे, हशाम रियाज एक बिजनेसमैन और निजी टीवी चैनल के मालिक हैं। शादी की तकरीब में इस वक्त के वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद समेत वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। शर्मिला फारूकी के यहाँ साल 2018 में बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम हुसैन है। शर्मिला फारूकी को सिंध असम्बली में ख्वातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब करार दिया गया। ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक MPA शहनाज बेगम के कत्ल के बायस खाली हुई थी। याद रहे, रुकने असम्बली सिंध शहनाज अंसारी को 15 फरवरी को कत्ल कर दिया गया था। शहनाज अंसारी का अपने पहलोई के ख़ानदान से झगड़ा था। शहनाज अंसारी के कत्ल से एक रोज़ कबर ही तस्फिया हुआ था, लेकिन ख्वातीन के दरमियान तकरार से मामला दोबारा बिगड़ गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पहले शहनाज अंसारी के हामियों की जानिब से फायरिंग की गई। मुखालफीन की जवाबी फायरिंग से शहनाज अंसारी कत्ल हो गई। शहनाज अंसारी के शौहर हमीद अंसारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद मेरी बीवी को कत्ल कर दिया गया। 4 रोज कबल SSP को सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त दी थी। स्टील मिल की मुनाफा बख्श तारीख में खसारा। शर्मिला फारूकी के वालिद उस्मान फारूकी के बतौर चेयरमैन तैनाती से शुरू हुआ था। उस्मान फारूकी के खिलाफ स्टील मिल में करप्शन के मुकदमात साबित हुए, जिसके बाद उन्होंने कौमी एहसाब ब्यूरो से पली बार्गिन करते हुए 26 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। कौमी एहसाब ब्यूरो ने उस्मान फारूकी के दौर से मुतल्लिक 23 मामलों में तहकीकात का आगाज किया, जिनमें से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 18 रेफरेंस तैयार किए गए। आखिरकार इन्हें 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा दी गई। बाद में फारूकी ने अदालत से जमानत पर रहाई हासिल की
और मंजर से गायब हो गए और बिरौने मुल्क चले गए। आज की वीडियो बस यहीं तक, इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।